29 दिसंबर 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान एंड निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर पर पहुंचे। वो तीन दिनों के लिए यहाँ आए थे। 30 दिसंबर 1943 को जिमखाना ग्राउंड पर नेताजी ने तिरंगा फहराया। आज इसकी 78वीं वर्षगांठ है। दूसरे वर्ल्ड वॉर में जापान ने इस द्वीप पर कब्जा किया था। 1942 में उनका इस पर कब्जा हुआ जो 1945 तक बरकरार रहा। इसे 29 दिसंबर को उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी हिंद सरकार को सौंप दिया। हालांकि इस पर जापान का वास्तविक नियंत्रण बना रहा। पहले डच और फिर ब्रिटिश कब्जा, उसके बाद जापान का आधिपत्य। वैसे इस द्वीप पर पहले हॉलैंड ने कब्जा किया था, फिर ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया, फिर दूसरे विश्वयुद्ध में जापानियों ने इसे जीत लिया। जब दूसरे विश्वयुद्ध में जापान द्वारा हारा तो ये वापस ब्रिटेन के पास आ गया। सुभाष ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप रखा था। जब सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को तिरंगा फहरा तो उन्होंने अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम खराज रखा। सुभाष ने जो तिरंगा फहराया था वो कांग्रेस द्वारा अपनाया गया तिरंगा ही था, जिसके बीच की सफ़ेद पट्टी पर चरखा बना रहा। इसके बाद आज़ाद हिंद सरकार ने जनरल लोकनाथन को यह अपना गवर्नर बनाया। 1947 में ब्रिटिश सरकार से मुक्ति के बाद ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। नेताजी ने कहा था कि हम भारतीय भूमि पर होंगे। नेताजी ने इससे पहले जापान और सिंगापुर में अपने भाषणों में कहा भी था कि इस साल के आखिर तक आज़ाद हिंद फौज भारतीय धरती पर कदम जरूर रखेगी। जब पोर्ट ब्लेयर पहुंचे तो उन्होंने सेलुलर जेल जाकर यहाँ एक जवानों में बंदी बनाए गए भारतीय क्रांतिकारी और शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि भी व्यक्त की। फिर सुभाष ने कहा, भाषण दिया था अंडमान पर भारतीय तिरंगा फहराने के बाद सुभाष तीन दिन यहाँ रहे। 1 जनवरी को वो सिंगापुर पहुँचे। सिंगापुर में उन्होंने भाषण में कहा, आज़ाद हिंद फौज हिंदुस्तान में क्रांति की वो जलवा जगाएगी जिसमें अंग्रेज साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा। अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार, जिसके अधिकार में आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और जिसे जर्मनी और जापान सहित विश्व के 9 महान देशों ने मान्यता दी है, उन्होंने हमारी सेना को भी पूरा समर्थन देने का वादा किया।